हेलो गाइस, मैं अनुराग, इजीली टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर एंड देयर लॉसेस, जो आपके एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, जिसके मैंने नोट्स तैयार किए हुए हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें मैं अब डिफाइन करने जा रहा हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है एनर्जी इफ़िशियंट ट्रांसफार्मर, ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर। तो ये क्या होता है कि हमने आपको पिछली बताया था पहले कि पावर वितरण ग्रिड सिस्टम में जो हम पावर ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसके टोटल संचरण जो होता है, उसकी वितरण हानियां जो होती हैं, वो उसका 40-50% विद्युत ट्रांसफार्मर के द्वारा होती हैं। ये जो हानियां होती हैं उसके 40-50% ट्रांसफार्मर के थ्रू होती हैं। तो इन हानियों को हम कैसे बचा सकते हैं, तो नए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करके ट्रांसफार्मर की दक्षता को उच्च किया जा सकता है, जिससे हानियां कम हों, जिसका उदाहरण एमॉर्फस ट्रांसफार्मर और सूखा प्रकार के ट्रांसफार्मर हैं। तो एमॉर्फस ट्रांसफार्मर के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये बेटर बताया गया है जिससे दक्षता ऊंची प्राप्त होती है? देखिए, पहली है कि इसमें लेमिनेशन के रूप में एमॉर्फस स्टील का उपयोग होता है, जिससे हमारी हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। दूसरा है मरम्मत आसानी से हो जाती है। तीसरा है ओवरलोड क्षमता अधिक होती है इसमें। चौथा है वितरण दक्षता अधिक होती है। पांचवा है वातावरण के ये अनुकूल है। अब इसके लॉसेस क्या हैं अगर हमें फर्स्ट ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो उसका लॉस क्या है? तो देखिए, पहला लॉस है आपका चुंबकीय पदार्थ को पतली लेमिनेशन में काटना कठिन है। इसमें जो चुंबकीय पदार्थ यूज हो रहा है उसको पतली लेमिनेशन, छोटी लेमिनेशन में काटना कठिन होता है। दूसरा, समान पावर रेटिंग के लिए कोर का अधिक क्रॉस सेक्शन चाहिए। अगर हमें रेटिंग सही चाहिए तो हमारी जो कोर होती है इसकी, उसका क्रॉस सेक्शन हमें अधिक चाहिए। तीसरा लॉस जो है क्या है कि कोर का जो साइज़ है अधिक होने के कारण अधिक कंडक्टर लगेगा, जिससे इसकी लोड हानियाँ बढ़ जाएंगी। जब हमारा कोर का क्रॉस सेक्शन हमें अधिक चाहिए तो अधिक होने के कारण कोर का साइज़ बड़ा हो जाएगा, तो जिससे कंडक्टर अधिक लगेगा और उससे लोड हानियाँ बढ़ जाएंगी। ये हमारे लॉसेज हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेज इन ए ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में हानियाँ, तो कौन कौन सी हानियाँ होती हैं? तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की हानि होती हैं। पहली हानि है कोर या आयरन लॉसेस, कोर या लौह हानियाँ पहली है, और दूसरी है आपकी कॉपर लॉसेस, ताम्र हानियाँ। तो पहले हम पढ़ते हैं कोर या आयरन लॉसेस को। तो कोर या आयरन लॉसेस जो हैं वो उसके दो पार्ट हैं। तो पहली है हमारी हिस्टेरेसिस लॉसेस है, इसमें पहला टाइप है। तो ट्रांसफार्मर क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से, जो चुंबकीय फ्लक्स है आपका उसमें परिवर्तन होने से जो इसकी क्रोड पटल होती हैं उनके अणुओं का दिशाओं में, कभी इधर कभी उधर दिशाओं में चुंबकित होने पर जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो जाती है, और ये अणु जो हैं वो घर्षण के कारण कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो फ्रिक्शन जो उनका लगता है, तो वो एनर्जी इनकी फ्रिक्शन जब होता है तो उसमें ताप के रूप में, टेम्परेचर के रूप में चेंज हो जाती है, जिससे हमारी जो क्रोड है वो गर्म हो जाती है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, तो कैसे, WH वाट में है एनर्जी और H आपका हिस्टेरेसिस के लिए है। WH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है बी मैक्स 1 की पावर 1.6 एफ इंटू बी, जहाँ पर बी मैक्स आपका फ्लक्स डेंसिटी है, एफ आपकी फ्रीक्वेंसी है, वी आपका वॉल्यूम है, जूल पर सेकंड या वाट में ये चेक की जाती है। अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा वी एच इज इक्वल टू
ईटा बी मैक्स 1.6 F(n)(2)b। ईटा यहाँ पर क्या है आपका, स्टेन मीटर्स का हिस्टेरेसिस गुणांक। ये क्या है, जैसे जैसे ईटा का मान कम होगा वैसे वैसे हमारी ये हिस्टेरेसिस लॉसेस भी कम होंगी। तो हम ईटा का मान कैसे कम कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में हम अगर सिलिकॉन स्टील या परमालॉय के क्रोड को उपयोग में लाते हैं जिनका ईटा का मान हमारा 1.91 और 0.25 होता है, तो हमारी हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो जाएंगी। इसका दूसरा टाइप है इसमें एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर में एसी करंट जो हो रही होती है उसके कारण अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो उसके कारण हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो वो जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारी एडी करंट लॉसेस, भंवर धारा हानि कहलाती है। इन हानियों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी क्रोड हैं उनकी उनको पतली पतली स्लाइड, पतली पतली पत्तियों में बनाते हैं। तो अब हम इन टुकड़ों पर वार्निश भी कर लेते हैं, ओके। तो उस पर वार्निश की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा कि चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उनका रास्ता जो है वो छोटा हो जाता है, जिससे हमारी ये क्रोड जो है वो कम गर्म होगी केवल पॉलिशिंग करने से वार्निश की। तो इसका डब्ल्यू ई एडी करंट के लिए सफिक्स में ई लगा दिया है, तो डब्ल्यू ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी मैक्स का होल स्क्वायर टी स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी। सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर टी जो है वो आपकी लेमिनेटेड हमने जो पतली पतली पत्तियाँ बनाई थी उसकी थिकनेस है। नेक्स्ट लॉस है आपका कॉपर लॉसेस। तो ये जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो हम करते हैं उस समय पर जो प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा जो होती है उनके कारण होता है, ट्रांसफार्मर में जो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है उसके के लिए। और ये जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो आपके बहने वाली धारा के वर्ग के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो कॉपर लॉसेज को हम डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के विलोमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब उच्च वोल्टता का कुंडलन का प्रतिरोध निम्न वोल्टता कुंडलन की अपेक्षा हमेशा अधिक होता है। याद रखिएगा कि इसमें जो उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज का जो है ना रेजिस्टेंस है वो लो वोल्टेज रेजिस्टेंस पे हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपके लॉसेज होते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ें।